सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास सर ऑफिशियल में। HSSC ने कल फिर दो बड़े धमाके किए और दो नई भर्तियों का जो विज्ञापन है वो निकाला, जिसमें एक तो स्टेनो की ग्रुप सी के अंतर्गत, दूसरी कॉमर्स वालों की जो वैकेंसी है वो निकाली। सीटी के अंतर्गत फार्म भरने की जो डेट है वो 21 जुलाई से रहेगी और लास्ट जो डेट है वो 31 जुलाई 2024 होगी। इसमें कौन कौन सी भर्तियों का विज्ञापन निकला है वो भी हम आपको बताएंगे। कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है देने के लिए। अब आप देख लीजिए जो वैकेंसी है उनकी क्या डिटेल है। 1075 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन इन ग्रुप नंबर 58, जिसमें स्टेनो की ये वैकेंसी है। अगर पोस्ट का नाम आप देखेंगे, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जिसमें लेवल 6 के अंतर्गत टोटल जो पोस्ट हैं 40 हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्टों की, वो पोस्ट हैं टोटल 261, जिसमें से अगर आप जर्नल या अन्य रिजर्व कैटेगरी के अनुसार देखें वो भी आप देख सकते हैं। जर्नल की 106, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी पोस्टें देखें। स्टेनोटाइपिस्ट बोथ, इसकी जो टोटल वैकेंसी निकाली है वो हैं 774, जिसमें से 314 जनरल कैटेगरी की हैं। इस प्रकार इन सभी की टोटल मिलाकर जो पोस्टें हैं वो 1075 हो जाती है, जिसमें जनरल की 438 और बाकी जो SC BCA BCB रिजर्व कैटेगरी है उनकी आप देख सकते हैं। और जहां तक बात क्वालिफिकेशन की है वो आप देख सकते हैं, हिंदी और संस्कृत एज ऑफ दी सब्जेक्ट इन मैट्रिक ऑफ हायर एजुकेशन एज 18 से 42, और जो रिलैक्सेशन है वो अलग मिलेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। तो साथियों बड़ी अपडेट है, ग्रुप सी पोस्टों के अंतर्गत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CT, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं ग्रुप सी में, अब सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया है स्टेनो की भर्तियों के लिए। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023 जो 7 मार्च 2023 के तहत पहले फार्म भरवाए गए थे। इसके अलावा 517 जो पोस्ट है वो ग्रुप नंबर 59 के अंतर्गत हैं, जिसमें सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी है, टोटल 127 संख्या है। पे स्केल अगर आप देखेंगे लेवल 6 में जर्नल की 49 पोस्ट, SC की 22, BCA की 18, BCB की 8, EWS की 15 पोस्टें। तो साथियों ये जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। उसके बाद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 17 वैकेंसी हैं, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की 373 वैकेंसी हैं, जिसमें जर्नल की 154, और इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी 517 बन जाती है। क्वालिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा 246 जो पोस्ट है वो ग्रुप नंबर 60 के अंतर्गत हैं, जिसमें स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी टोटल 246 पोस्ट हैं, जर्नल की 83, SC की 44, BCA की 30, BCB की 17, EWS की 29, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार कैटेगरी नंबर 396 के अंतर्गत जो पोस्टें हैं उनकी जो आप क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। तो साथियों अच्छी अपडेट है, अब HSSC फुल स्पीड में काम कर रही है, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई जो नोटिस है वो HSSC की वेबसाइट पर देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग हो, ग्रुप नंबर 56-57 के रिगार्डिंग हो, ग्रुप नंबर 1-2 के रिगार्डिंग हो। इसके अलावा आज हाई कोर्ट में ग्रुप नंबर 20 के लिए जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है कि दोबारा एग्ज़ाम ना लिया जाए उन कैंडिडेट का, उसकी सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी क्या ये जो आज की सुनवाई का फैसला है वो जो 20 ग्रुप के चयनित कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके पक्ष में आता है, या फिर इनको भी जो पहले ऑर्डर दिया गया था उसके अनुसार दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। तो साथियों बड़ी अपडेट है, कॉमर्स की और स्टेनो की जो वैकेंसी है वो दोबारा से विज्ञापन निकाला जा चुका है। 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे, और समय पर फॉर्म अप्लाई करें क्योंकि दोबारा शायद जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। धन्यवाद।